Let's continue the concept of thermodynamics. मैं thermodynamics के concept समझा रहा था. Thermochemistry अभी तक हमने start करा नहीं है. Thermodynamics में मैंने ढेर सारी terminology बताई थी और फिर उसके बाद मैं first law of thermodynamics भी बता दिया था और मैं various type of thermodynamic process उनकी बातचीत करना चालू कर दिया था. मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में डिटेल में ढेर सारी बातें बताई थी. मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज, थर्मोडायनामिक फंक्शंस, थर्मोडायनामिक ग्राफ्स, उस दौरान मैंने वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उन सभी के लिए एक्सप्रेशंस लिखवा दिए थे. एग्जैक्टली वहीं से कंटिन्यू करूंगा. टुडे आई विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस. मैं एक एक करके चारों ही प्रोसेस के बारे में बताऊंगा. सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस और फिर सबसे पहले आइसोबारिक प्रोसेस, देन आइसोकोरिक प्रोसेस, देन एडियाबेटिक प्रोसेस. ना सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट आइसोबारिक प्रोसेस. We used to say the process is termed as isobaric if pressure remain constant during the process. यदि किसी भी process के दौरान pressure constant रहता है उसे हम isobaric process कहते हैं. और isobaric process के मैंने कुछ examples भी बताए थे. In fact, most of the physical or chemical process occurring all around us are isobaric. क्योंकि हमारे चारों तरफ pressure constant है और open atmosphere में, open environment में जो भी कुछ process आपको होता हुआ दिख रहा है वह isobaric ही कहलाएगा. जैसे कि इस कमरे में हम कोयला जला दें, इस कमरे में कागज जलाएं, या ओपन में किसी भी तरह का फिनोमेना हो रहा हो, दैट वुड बी आइसोबारिक. अब लेट्स इमेजिन अ सिस्टम एट स्टेट वन. इस सिस्टम के साथ कुछ प्रोसेस होता है और यह सिस्टम स्टेट टू पर जाता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट्स वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2, its temperature change from T1 to T2. Initially system state 1 पर है. State 1 पर कुछ इसकी pressure condition है, कुछ volume condition है, कुछ temperature condition है. Pressure, volume और temperature conditions को हम उसके state variable कहेंगे, state variable at state 1. Now something happens with this system. System के साथ कुछ process होता है, इसके थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स में फर्क आता है. वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है, टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है. इस तरह से यह एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है, मगर इस प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट बना रहता है. सिंस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, हेंस दिस प्रोसेस वुड बी टर्म्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस. अब इस आइसोबारिक प्रोसेस के दौरान हम ढेर सारी बातें समझते हैं, हम क्या क्या लिख सकते हैं. सबसे पहले मैं एक कंडीशन और ले लेता हूं, क्लोज्ड सिस्टम. यह कंडीशन और ले लेता हूं. जब मैंने क्लोज्ड सिस्टम की कंडीशन ले ली, जो कि अधिकतर प्रॉब्लम्स में दी हुई रहेगी, क्लोज्ड सिस्टम का सबसे पहले मैंने चैप्टर स्टार्ट करते समय मतलब बताया था. क्लोज्ड सिस्टम मींस एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास कांस्टेंट रहता है, मास एक्सचेंज नहीं हो सकता,
न तो मास अंदर से बाहर जा सकता है न बाहर से अंदर आ सकता है, हीट एक्सचेंज हो सकती है, हीट में गेट एक्सचेंज, जैसे हम किसी कंडक्टर मेटल की बनी हुई किसी वेसल के अंदर कोई गैस रख दे और उस गैस को हम गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं. इफ इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम देन इस सिस्टम के लिए मास भी कांस्टेंट रहेगा. यदि वह गैसियस सिस्टम है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे. अब हम इसे एक और कंडीशन ले लेते हैं. इफ वी हैव गॉट आइडियल गैस सिस्टम, सिंस इन आवर सिलेबस वी हैव गॉट ओनली आइडियल बिहेवियर, और कोई गैसियस सिस्टम है तो हमको आइडियल गैस ही दी जाएगी. आइडियल गैस सिस्टम है यह दिया हुआ. ऐसी कंडीशन में आइडियल गैस इक्वेशन वुड ऑलवेज होल्ड. पी वी वन इज इक्वल टू एन आर टी वन एंड पी वी इज इक्वल टू एन आर टी टू. स्टेट वन पर प्रेशर पी, स्टेट टू पर भी प्रेशर पी. स्टेट वन से स्टेट टू पर प्रेशर दोनों जगह पर मैंने सेम रखा. इस स्टेट वन के लिए इक्वेशन मैंने पहले लिखी है, स्टेट टू के लिए दूसरी इक्वेशन लिखी है. स्टेट वन पर वॉल्यूम वी वन, टेम्परेचर टी वन, आर ऑलवेज रिमेन अ कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वुड रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम. दिस इज द इक्वेशन एट स्टेट वन एंड दिस इज द इक्वेशन एट स्टेट टू. वन कैन ऑलवेज राइट दिस टू इक्वेशन. अब यदि मैं पहली इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, प्रेशर टर्म कैंसिल हो जाएगा, एनआर टर्म कैंसिल हो जाएगी, एंड फॉर एनी आइसोबारिक प्रोसेस वन कैन ऑलवेज राइट वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू और वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वन कैन ऑलवेज राइट दिस इक्वेशंस फॉर आइसोबारिक प्रोसेस. अब लेट्स try to draw the thermodynamic graphs during this process. इस प्रोसेस के दौरान हम thermodynamic graph plot करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के thermodynamic graph दिखेंगे. Pressure versus volume PV graph बनाते हैं. We'll draw for pressure versus temperature and lastly we'll draw for volume versus temperature. यह तीन ग्राफ हम बनाएंगे. PV graph. Let's try to think PV graph कैसा दिखेगा. Pressure is a constant. Pressure को constant दिखाना है तो यह PV graph definitely it must be parallel to volume axis. इस तरह से प्रेशर P हमें कॉन्स्टेंट दिखेगा. एंड लेट अस से ड्यूरिंग द प्रोसेस हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा देते हैं. इनिशियली स्टेट वन इधर है, फाइनली स्टेट टू इधर है. इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो लगाने का हमारा मतलब है ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. इनिशियली स्टेट वन पर गैस का वॉल्यूम वी वन कम था और फाइनली स्टेट टू पर गैस का वॉल्यूम वी टू बढ़ गया. अब इफ दिस इज पीवी ग्राफ फॉर आइसोबारिक प्रोसेस कैन यू थिंक हाउ पीटी ग्राफ वुड लुक लाइक. पीटी ग्राफ कैसा दिखना चाहिए. प्रेशर कॉन्स्टेंट दिखाना. प्रेशर को कांस्टेंट दिखाने का एक ही तरीका हो सकता है पीटी ग्राफ भी हमें पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सेस ही बनाना पड़ेगा.
PT graph भी parallel to temperature axis ही बनेगा क्योंकि वो हल्का सा भी ऊपर नीचे गया तो pressure change होएगा बिल्कुल. Graph would look like this only. अब arrow direction हम किस तरफ लगाएं? Arrow direction से हम यह बताएंगे कि temperature इस process के दौरान increase होगा या decrease होएगा. Observe कीजिए, volume is directly proportional to temperature. At constant pressure, volume is directly proportional to temperature. Means as the volume increases, temperature must also increase proportionately. So definitely, इधर भी arrow इसी direction में लगेगा. State 1 पर temperature कम होएगा, state 2 पर temperature अधिक होएगा. Now, how do our VT graph look like? वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ कैसा दिखेगा? मैं कहता हूं वंस अगेन, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ेगा. वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर. द ग्राफ वुड लुक लाइक दिस. स्टेट वन पर वॉल्यूम टेम्परेचर कम है, स्टेट टू पर वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों बढ़ गए. दिस वुड बी the nature of VT graph for any isobaric process. यह मैंने thermodynamic graph बनाए हैं isobaric process के. Now, let me calculate work done during isobaric process. Isobaric process के दौरान हम work calculate करते हैं. This is the basic definition of work done. Thermodynamic work is defined as integral of P dV. This is a generalized expression always applicable in order to calculate work during any thermodynamic process. Now, since pressure is a constant, hence this pressure term can be taken out of this integral sign, or integral sign ke andar jo reh jayega, that would be integral dv only. Now this volume is changing from V1 to V2. Initial volume is V1, final volume is V2. This is work done. Now, what is integral dV? Integral dV is V. Dhyan rahe, integral of dx. It's x. Integral of dx, x hota hai, integral ka yaha formula hai. Idhar integral dV hai. It's V. And after integrating, I write lower limit and upper limit like this. Lower limit इधर लिख दी जाती है, upper limit ऊपर लिख दी जाती है. अब इस integration process को complete करने के लिए ये जो function है इसमें पहले upper limit लिखते हैं minus lower limit. This is work done during any thermodynamic isobaric process. V2 minus V1. This is the change in volume. V denoted by delta V. Delta V. This is work done during isobaric process. Up. वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस को मैंने एक और तरीके से ग्राफिकली बताया था. मैं उस डेफिनेशन को एक और बार रिकॉल करता हूं और देखता हूं क्या वह डेफिनेशन इधर होल्ड कर रही है. मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट में यह बात बताई थी कि यह जो वर्क डन थर्मोडायनामिक वर्क डन है इंटीग्रल पीडीवी, ग्राफिकली हम यह कहते हैं इट्स एरिया अंडर पीवी
graph. This is work done during any thermodynamic process. Integral PdV, its area under PV graph. अब आप जरा देखिए, क्या यह कंसेप्ट हमारे इस एक्सप्रेशन में होल्ड कर रहा है? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए पीवी ग्राफ को देखिए. द पीवी ग्राफ लुक्स लाइक दिस. व्हाट इज एरिया अंडर दिस पीवी ग्राफ? एरिया अंडर पीवी ग्राफ वुड बी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. पीवी ग्राफ के नीचे जो एरिया मुझे दिख रहा है, यह एक रेक्टेंगुलर एरिया है. इस रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. दिस इज दैट रेक्टेंगुलर एरिया. व्हाट इज दिस लेंथ इक्वल टू? दिस इज इनिशियल वॉल्यूम V1, दिस इज फाइनल वॉल्यूम V2. The length is V2 minus V1. This is V2 minus V1. This is the length, delta V. And the breadth is this P. So this term P delta V is in fact breadth into length. It's work done and its area under this PV graph. Integral of PdV is always area under PV graph. अब हम कहते हैं, the change in temperature during this process, इस process के दौरान जो change in temperature है, that is T2 minus T1 and change in internal energy during any thermodynamic process is given by NCV delta T. Change in internal energy is NCV into T2 minus T1. During this isobaric process, internal energy change would be written like this. Here N is the number of moles of gas, NCV is molar specific heat constant of gas. This is change in internal energy during this process. All these are the basic concept related to any isobaric process. Isobaric process ke bare mein maine sari baatein ek saath दोबारा बता दिए. पहले मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बताया और यह आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में. आइसोबारिक प्रोसेस की कंडीशन इसके पहले भी लिखवा चुका हूं और आइसोबारिक प्रोसेस में होल्ड करने वाली इक्वेशन, यह सारी इक्वेशन आइसोबारिक प्रोसेस के लिए किस तरह से ग्राफ दिखेगा, थर्मोडायनेमिक ग्राफ, पीवी ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, पीटी ग्राफ कैसा दिखना चाहिए और वीटी ग्राफ कैसा दिखना चाहिए. Work done during isobaric process, the final expression P delta V. इधर एक बात और बता दूं, PV graph और PV curve during isobaric process is also called isobar. इसे हम isobar कहते हैं. Isobar means PV graph drawn for isobaric process. PV graph का मतलब होता है, isobar का मतलब होता है PV graph drawn for isobaric process and it would be always a straight line. वो हमेशा एक straight line ही होगा. Isothermal process, isobaric process के बारे में बताने के बाद अब मैं तीसरे process का discussion करता हूं. That is isochoric process.
The next is isochoric process. Now, the process is termed as isochoric if volume remain constant during the process. यदि process के दौरान volume constant रहता है, तो उसे हम isochoric process कहते हैं. For example, किसी rigid vessel में, rigid vessel जैसे कि pressure cooker को हमने बंद कर दिया, उसके अंदर gas trap हो गई, उस trapped gas के साथ में कोई process होता है. Rigid vessel के अंदर जो gas है, उसके साथ में कोई process होता है. Either heating process होता है या cooling process होता है. ऐसे सिस्टम में वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा और उसका प्रेशर और टेम्परेचर में वेरिएशन आ सकता है. वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर P1, टेम्परेचर T1 इनिशियली स्टेट 1 पर, फाइनली प्रेशर P2, टेम्परेचर T2 फाइनली स्टेट 2 पर. स्टेट वेरिएबल में प्रेशर में वेरिएशन आ गया और टेम्परेचर में वेरिएशन आ गया. अब वंस अगेन दूसरा एजम्पशन भी मैं यहीं पर लिख देता हूं, क्लोज्ड गैस सिस्टम. मैं यह एजम्पशन हमेशा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में, प्रॉब्लम्स में यह एजम्पशन, यह कंडीशन आपको हमेशा दी जाएगी. आपको ओपन सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए जनरली नहीं दिया जाता है, और यदि ओपन सिस्टम दिया हुआ हो तो आप मास को कांस्टेंट फिर नहीं मानेंगे. मगर यदि क्लोज्ड सिस्टम दिया हुआ हो, इन दैट केस आप मास को कांस्टेंट मान लेंगे, और गैस के केस में नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट मान लेंगे. साथ में एक कंडीशन और दे दी जाती है, दैट इज आइडियल गैस सिस्टम. यह कंडीशन भी आपको प्रॉब्लम्स में दे दी जाती है. आइडियल गैस सिस्टम लिखते से ही, यह कंडीशन देखते से ही आप उसी समय सोच लेते हो कि वी विल अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एट एनी स्टेट ऑफ गैस. स्टेट 1 पर भी आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, स्टेट 2 पर भी आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे. इधर भी हम लिख देंगे P1 V इज इक्वल टू एन आर टी वन एट स्टेट 1, और इधर भी हम लिख देंगे P2 V इज इक्वल टू एन आर T2 एट स्टेट 2. यह दोनों आइडियल गैस इक्वेशन दोनों ही स्टेट पर हमने हमेशा लगाई. अब आइडियल गैस इक्वेशन लगाते समय हमने जिन बातों का ध्यान रखा है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों केस में सेम लिखे बिकॉज इट वॉज अ क्लोज्ड गैस सिस्टम. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन लिखी जा रही है, इसलिए स्टेट 1 पर और स्टेट 2 पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम सेम है, दोनों के लिए वॉल्यूम सेम लिखे. हमने डिफरेंस करा सिर्फ प्रेशर में और टेम्परेचर में. स्टेट 1 पर प्रेशर P1, टेम्परेचर T1, स्टेट 2 पर प्रेशर P2, टेम्परेचर T2. अब वी डिवाइड द टू इक्वेशंस, वॉल्यूम टर्म कैंसिल हो जाएगा, एनआर टर्म कैंसिल हो जाएगा, और हमें P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, और वी मे रीराइट द सेम इक्वेशन इन दिस मैनर, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, और I'll say pressure is directly proportional to temperature at constant volume.
ध्यान रहे मैं बहुत डिटेल में इस चीज को इसलिए भी नहीं समझा रहा हूं क्योंकि इसके पहले मैंने गैसियस स्टेट आपको पढ़ा रखा है और गैसियस स्टेट में जो बॉयल्स लॉ में हमने सीखा था वो इनफैक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस था, जो चार्ल्स लॉ में हमने सीखा था वह आइसोबारिक प्रोसेस था और जो गेलुसिक्स लॉ में हमने सीखा था वह आइसोकोरिक प्रोसेस था। यह इक्वेशन हमने वहां पर भी लिख रखी है। अब इधर तो जो मैं खास बता रहा हूं दैट इज थर्मोडायनामिक ग्राफ्स ऐड करवा रहा हूं, थर्मोडायनामिक वर्क उस कंसेप्ट को ऐड करवा रहा हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी उस कंसेप्ट को ऐड करवा रहा हूं, थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज और थर्मोडायनामिक फंक्शंस और थर्मोडायनामिक ग्राफ्स पर मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूं, वो एडिशनल इधर ऐड कर रहा हूं। चलिए अब हम थर्मोडायनामिक ग्राफ बनाते हैं। तीन तरह के थर्मोडायनामिक ग्राफ हम इधर बनाएंगे, पीवी ग्राफ, वीटी ग्राफ और पीटी ग्राफ। हाउ प्रेशर वेरियस विथ वॉल्यूम, हाउ प्रेशर वेरियस विथ टेम्परेचर एंड लास्टली हाउ वॉल्यूम वेरियस विथ टेम्परेचर। यह तीन ग्राफ हम बनाएंगे। कैन यू थिंक अबाउट पीवी ग्राफ, वॉल्यूम को कांस्टेंट दिखाना है, वॉल्यूम वेरी नहीं करना चाहिए। वॉल्यूम को कांस्टेंट दिखाने के लिए हमें कर्व को बिल्कुल वर्टिकल लाइक दिस ड्रॉ करना होगा, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल वह कर्व स्ट्रेट लाइन इस तरह से बननी चाहिए, इस तरह से पीवी ग्राफ होगा। अब मैंने एरो ऊपर की तरफ दिखा दिया, मतलब मैं अभी एक ऐसे प्रोसेस को स्टडी कर रहा हूं जिसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। एरो ऊपर की तरफ लगा देना मतलब आई एम स्टडीइंग अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर इज इंक्रीजिंग। नाउ इफ प्रेशर इज इंक्रीजिंग, नाउ दिस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हेंस टेम्परेचर मस्ट ऑल्सो इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। जितना प्रेशर इंक्रीज होएगा उतना ही प्रोपोर्शन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज होएगा। यदि प्रेशर डबल हुआ तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल हो जाएगा, यदि प्रेशर 5 times हुआ है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 5 times हो जाएगा। पीटी ग्राफ ओरिजिन से पास होते हुए इस तरह से ड्रॉ करा जाना चाहिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनिशियली स्टेट 1 इधर, फाइनली स्टेट 2 इधर। क्या अब आप इसी समय सोचेंगे वीटी ग्राफ कैसा दिखना चाहिए? बिल्कुल सही, वॉल्यूम को कांस्टेंट दिखाना है और वॉल्यूम को कांस्टेंट दिखाने के लिए वीटी ग्राफ इस तरह से पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस बनेगा। दिस इज हाउ वीटी ग्राफ वुड लुक लाइक। इसमें स्टेट 1 पर टेम्परेचर कम है, स्टेट 2 पर टेम्परेचर ज्यादा है। दिस वुड बी द नेचर ऑफ VT ग्राफ। नाउ आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान थर्मोडायनामिक ग्राफ्स को बनाने के बाद नाउ वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। व्हाट इज थर्मोडायनामिक वर्क ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस? नाउ वर्क डन इट्स जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन इज इंटीग्रल ऑफ पीडीवी। दिस इज अ जनरलाइज्ड डेफिनेशन फॉर थर्मोडायनामिक वर्क। किसी भी तरह के थर्मोडायनामिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन इज ऑलवेज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, दिस वर्क डन बाय सिस्टम। अब
its isochoric process, volume is constant. Since volume is constant, hence dV is 0. Volume is constant, so dV. dV is differential change in volume. If volume is constant, differential change in volume would be 0. वहां कोई volume change होएगा ही नहीं. So, work done of integral of P into 0, this work done would be 0. Isochoric process के दौरान work done हमेशा 0 होता है. There is no thermodynamic work done during isochoric process. Thermodynamic system में work तभी होता है जब volume बढ़ता है या volume कम होता है. यदि volume बढ़ नहीं रहा है, volume कम नहीं हो रहा है, volume constant है, तो वहाँ पर किसी तरह का कोई thermodynamic work नहीं होगा. मैं उस definition से भी सोच लेता हूँ. मैंने graphically work done कहा है area under PV graph. PV graph के नीचे जो area होता है उसे हम thermodynamic work कहते हैं. क्या इसी समय हम देखें PV graph के नीचे कितना area? ये PV graph देख लीजिए, इसके नीचे वाकई में हमें कोई एरिया एनक्लोज्ड नहीं दिख रहा है. द एरिया अंडर पीवी ग्राफ इज ऑल्सो जीरो. आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन, थर्मोडायनामिक वर्क डन जीरो होता है. नाउ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस. चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हम सबसे पहले लिख देते हैं चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर इज T2 माइनस T1. देयर इज सम चेंज इन टेम्परेचर. दिस इज इनिशियल टेम्परेचर T1, दिस फाइनल टेम्परेचर T2. दिस इज सम T1 इनिशियल एंड दिस इज T2. दैट चेंज इन टेम्परेचर इज फाइनाइट. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय एन CV डेल्टा T और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय एन CV T2 माइनस T1. देयर इज सम फाइनाइट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. दिस इज अबाउट आइसोकोरिक प्रोसेस. यदि कोई आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तो उसमें हम इस तरह से यह सारे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं. वॉल्यूम कांस्टेंट कहते हुए यह सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं. इस तरह से थर्मोडायनामिक ग्राफ जो बनाने के लिए कहा जाए उसे हम बना सकते हैं और इस तरह से हम वर्क के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद आखिरी थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस सिखाने से पहले मैं एक कंसेप्ट और पहले बता दूं, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस स्टार्ट करूंगा. एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करता हूं.